तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। एंड वोडाफोन आइडिया के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 20% के अराउंड की, 19 to 20% के अराउंड की एक बहुत ही बड़ी गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो एक ब्लीडिंग सेशन देखने को मिला है। तो देखो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी हमें यहाँ पर लास्ट 10 टू 15 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था। स्टॉक जो है वो कहाँ पे 16 से लेकर 17 रुपीज़ की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर एक रिपोर्ट आती है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कितना 80 से लेकर 90% तक क्रैश हो जाएगा। 2 से 3 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। सो तब से ही वोडाफोन आइडिया के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई थी, और आज तो यहाँ पर जो है वो काउंटर ऑलमोस्ट 90 to 20% डाउन है। तो अब यहाँ पर फर्दर लेवल्स वोडाफोन आइडिया के क्या रहेंगे, और हमें आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है वो कंपनी के अंदर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो सब कुछ हमें समझना है। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले स्टिल, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर कर लेना। अब वोडाफोन आइडिया के अंदर आज सडनली हमें इतनी बड़ी गिरावट जो है वो क्यों देखने को मिली, तो उसके पीछे का रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या फिर अगर हम कहें तो कोर्ट के अंदर जो प्ली की है, दैट मीन्स जो रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो गवर्नमेंट को देने वाले AGR ड्यूज़ है उनको यहाँ पर रिड्यूस किया जाए, तो आज वहाँ पर कोर्ट ने वो केस को खारिज कर दिया है। दैट मीन्स उन्होंने प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स वोडाफोन आइडिया स्टिल हैज़ टू पे द AGR ड्यूज़ टू गवर्नमेंट एज इट वॉज डिसाइडेड अर्लियर। लेकिन प्ली के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या डिसाइडेड था कि वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज़ है वो शायद से 30 to 40% तक यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है, चार्जेस कम हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो थोड़े से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आज के डिसीजन के बाद अब नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें अभी फ़िलहाल कोई मेजर रिकवरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली दिया भी गया है कि वोडाफोन आइडिया का शॉर्ट टर्म का टारगेट 10 रुपीज़ है। ये हमारा पर्सनल टारगेट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म का टारगेट 10 है, और 10 रुपीज़ तो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया आ भी चुका है। अब देखना ही है कि यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है वोडाफोन आइडिया का ग्रुप, कंपनी के प्रमोटर्स क्या यहाँ पर करते हैं। तो धीरे धीरे करके सब कुछ आउटकम्स आएंगे, वो हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की काउंटर यहाँ पर बन चुका है।